और अब आपको दिखाते हैं प्लेन हादसे की दो तस्वीरें। एक तस्वीर चीन की है जहां एक मिलिट्री प्लेन क्रैश हो गया। हादसे से पहले ये प्लेन काफी कम ऊंचाई पर उड़ता नजर आया, इसके बाद प्लेन में धुआं उठता हुआ नजर आया। हादसे में कितने लोग हताहत हुए इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और वहीं बेबीलोन में एक प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान अजीब गरीब हादसा पेश आया। और आइए अब देखते हैं दुनिया में क्या कुछ हलचल है वर्ल्ड व्यू में। सऊदी अरब के कई हिस्सों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से रेगिस्तानी इलाकों में लाल रेत पर सफेद चादर बिछी नजर आने लगी है। मौसम के इस बदले मिजाज का यहाँ के लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। फिलीपींस के मायून ज्वालामुखी से विस्फोट की तस्वीरें सामने आई हैं। ज्वालामुखी से बड़ी मात्रा में लावा और धुएं का गुबार निकलता नजर आ रहा है। ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से इलाके से 75,000 लोगों को दूसरे सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। फ्रांस में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। राजधानी पेरिस से गुजरने वाली सीन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पिछले एक हफ्ते से जारी बारिश से 240 से ज्यादा शहर पानी पानी हो गए हैं। 108 साल बाद फ्रांस में इतनी भीषण बाढ़ आई है। ऑस्ट्रिया में चेयरलिफ्ट टूटने से सैकड़ों लोग कई घंटे तक फंसे रहे। बाद में हेलीकॉप्टर और माउंटेन रेस्क्यू टीम ने करीब 150 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। सत्ता के गलियारे से लेकर खेल के मैदान और दुनिया भर की हलचल हर खबर आपने देखी नेशन व्यू में। आज के लिए बस इतना ही।